అవి కాదు సరే బట్ టైంలో కట్టావు జల్దీ జల్దీ అవు హలో భాయ్ గౌరవ్ గౌరవ్ తిరిగి ఓ బుక్ లే దిగు భాయ్ आइडिया लग गया होगा भाई सभी को उसकी बेसी ने क्या क्या कितना सिलेबस कम किया है। अब इसमें बढ़िया बात यह है कि जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर हम लोगों को करना था हालांकि वो छुड़वाता ही वो मैं अभी मेटलर्जी से रिलेटेड था सिक्स्थ चैप्टर जनरली लास्ट में ही करते हैं हम लोग हर साल तो वो चैप्टर हटा दिया गया सिक्स्थ चैप्टर पूरी यूनिट ही हटा दी वो बढ़िया हम लोगों ने कोई टाइम वेस्ट किया नहीं था ऐसे यूनिट पे। फिफ्थ यूनिट जहाँ तक हमारी हुई है एक छोटा सा टॉपिक जो मैं बोल रहा था छोटा टॉपिक रह गया है वो टॉपिक हटा दिया है सिलेबस से तो वो टॉपिक हम नहीं करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक हमारा था कोएगुलेशन वाला जो हमने करा अलग अलग मेथड देखे कैसे कोलोइडल पार्टिकल्स को सेटल डाउन किया जा सकता है वहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है प्लस साथ में ये भी देख लिया था प्रोटेक्शन कैसे की जाए लायोफोबिक कोलोइड की लायोफोबिक के अंदर क्या डाल दो लायोफिलिक डाल दो लिक्विड की लेयर जमा हो जाएगी और फाइनली प्रोटेक्शन हो जाएगी तो यहाँ चैप्टर हमारा हो गया था ख़त्म। तो भाई मेन मेन देखा जाए तो हमारे पहले पाँचों चैप्टर जो सिलेबस में आने वाले हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये सभी चैप्टर हमारे हो चुके हैं सिक्स सिलेबस में आएगा नहीं। आज हम स्टार्ट कर देंगे सेवन्थ चैप्टर आज करेंगे उसका बेसिक जनरल व्यू का ये जो भी टॉपिक्स सिलेबस शायद तुम्हारा या तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया होगा अगर नहीं डला होगा तो मैं आज डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में केमिस्ट्री का सिलेबस कि क्या क्या चीज़ें कम हुई है अब आज जो हमें करना है वो है सेवन्थ चैप्टर दैट इज पी ग्लोब एलिमेंट्स तो उसका जनरल आइडिया ही करेंगे आज हम आइडिया देख लेंगे उसके बाद क्योंकि उसके भी टॉपिक्स देखने पड़ेंगे उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है क्या क्या चीज़ हटी है क्या नहीं हटी और एग्जैक्टली किन टॉपिक पे फोकस करना है तो वो थोड़ा सा डीप पे उस पर ध्यान देना पड़ेगा इसलिए आज कर लेते हैं हम जनरल आइडिया कि होता क्या है ये सब चीज़ पीक लोग एलिमेंट्स किसे कहते हैं और थोड़े बहुत जो इसमें लॉजिक लगते हैं वो सारी चीज़ कर लेते हैं आगे वो भाई सभी शुरू कर दें ये लोग नहीं है भाई कहाँ गई है
फटाफट आ जाए करो यार। ठीक है साहिल,
आगे चलते हैं। क्या बोला
इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को ज़्यादा देनी पड़ेगी, और ज़्यादा क्योंकि न्यूक्लियस उसको अच्छे से पकड़ के बैठा होता है। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती ही जा रही है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती ही जाएगी, ज़्यादा ही एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि न्यूक्लियस उसको अच्छे से पकड़ के बैठा होता है। तो इलेक्ट्रॉन जाएगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और तो फोटॉन आएंगे, तो फोटॉन जाएंगे तो देखो भाई क्या होता रहता है, डॉक्टर बोलता है
फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल आप फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना यहाँ पे इजीली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जबकि ऑक्सीजन वाला केस देखते हैं भाई, ये पी फोर पे स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो पी थ्री बन जाता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा क्योंकि पी फोर तो स्टेबिलिटी है नहीं इसके पास। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसने तो क्या आ जाती है यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या था, ऑक्सीजन तो बहुत आसानी से क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करना चाहेगा, वो छोड़ना चाहेगा, वो पी थ्री बनना चाहेगा। आसानी से छोड़ेगा मतलब हमें बहुत कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसकी एनर्जी क्या चाहिए होगी काफ़ी कम, जबकि यहाँ तो दम लगाना पड़ेगा भाई। यहाँ क्या था, ये स्टेबल था ऑलरेडी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब काफ़ी जोर लगेगा हमारा, तो मतलब माइनस एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी नाइट्रोजन में, कम चाहिए होगी ऑक्सीजन में। अब आ जाओ जनरल ट्रेंड में, जबकि जनरल ट्रेंड क्या बोल रहा था, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमने क्या देखा ऑक्सीजन के केस में क्या लगेगी कम। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो जनरल ट्रेंड को भूल जाओ, ये नहीं कि हम सीधा जनरल ट्रेंड से कराए। हाँ किसी में ट्रेंड लगी नहीं ना, कि ट्रेंड वो बहुत सारे ऐसे केस हैं कि जहाँ पे ट्रेंड फॉलो ही नहीं होगा, कि मतलब फॉलो क्या ट्रेंड लगेगा ही नहीं, वो पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। जैसे आप लोग एलिमेंट्स के अंदर हम जाएंगे डी लोग एलिमेंट में जाएंगे तो वो केसेस बन ही नहीं पाएंगे वहाँ पे पॉसिबिलिटी। तो जब तक हमें दिख रहा है साफ साफ, कहने का मतलब क्या है, कुल मिला के तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, वो वहीं से कंपेयर करना है कि किसको फायदा हो रहा है। जैसे आने का ऑक्सीजन को तो फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, और किसको नुकसान, यहाँ देखा नाइट्रोजन को नुकसान है, मतलब हमें क्या करना
फुली फिल्ड कितने में हो रही हूँ या हाफ फिल्ड कितने में हो रही हूँ या फिर एम्प्टी कितने में हो रही हूँ, वही तीन केस मैंने आपके लिए लिखे थे। दोबारा देख लो एक बार नाइट्रोजन का केस, टू एस टू टू की थ्री, ये था नाइट्रोजन, तो कब फायदा होगा? या तो ये क्या करते कि अपने तीन इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, तीन इलेक्ट्रॉन छोड़ के तो पी जीरो एम्प्टी हो गया, पी वाला तीन इलेक्ट्रॉन छोड़े होता प्लस थ्री, ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है ये प्लस थ्री, फिर पी थ्री था, अभी तीन इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले, तीन गेन कर लिए तो कितना होगा पी सिक्स, फुली फिट स्टेबल, तीन गेन किए तो क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस थ्री, ये भी क्या हो सकती है पॉसिबल, फिर पी थ्री था ये तीन भी हटा दे और ये दो भी हटा दे तो कितना होगा प्लस फाइव, ये पॉसिबिलिटी भी बनती है। तो कहने का मतलब इस तरह से हमें देखना है क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन सकती हैं, और क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखो ये आया हुआ था तीन को ये छोड़ दे तो इसमें से एक छोड़ दे तो हुआ क्या, देखो इसमें तीन छोड़ दिए तो ये तो एम्प्टी होगा, एम्प्टी हो गया स्टेबल, और एस वन रह गया, एस में दो आ सकते हैं एक रह गया, मतलब एस में क्या होगा हाफ फिल्ड हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, तो कितने इलेक्ट्रॉन पी होने चार छोड़े प्लस चार भी बनती है यहाँ पे पॉसिबिलिटी। तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख के बता सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट आने की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के दम पे हम क्या देख सकते हैं क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर है भाई सभी को ये, जल्दी से कमेंट करके बताओ, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करोगे ट्राई करोगे अपने आप तो बना सकते हो, कुछ नहीं बस ये देखना है हमें हाफ फिल्ड कितने पे हो जाएगा, ये फुली फिल्ड कितने पे हो जाएगा या एम्प्टी कितने पे हो जाएगा, उसी के थोड़े से क्या देखना है हमें कॉम्बिनेशन देखने हैं किस किस के अंदर ऐसा हो सकता है। Thank you.
बात है, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। जल्दी कमेंट करो। एग्जाम्पल से समझाता हूँ दो यूनिट से कैसे।
फ्रंट पेयर इफेक्ट ये चीज नहीं पकड़ में आई क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है, ये आधा घंटा पीछे पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली चीज पता कि ये चीज नहीं पकड़ में आई। इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, आधे घंटे बड़ा टॉपिक है, पिछले आधे घंटे से इसके बीच में तो चार बार पूछ चुका मैं क्लियर है या नहीं है। लास्ट वाले सिस्टम में कुछ नहीं दे रखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो वही जो इससे पहले बताया ना वही चीज बताई है मैंने बोर्ड पे, वही लिखा हुआ है, कुछ नहीं है उसको लिख दिया बस बोर्ड पे। 2s2 2p3 था तब बताया था प्लस 5 पॉसिबल हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन p छोड़ दे 2 इलेक्ट्रॉन s छोड़ दे तो कितना हो गया प्लस 5 पॉसिबल हो गया। लेकिन नीचे जाए तो क्या था भाई, एस वाला तो क्या हो गया, न्यूक्लियस ने पकड़ लिया, अब पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहा एस वाले को, तो पार्टिसिपेट कौन करेगा, पी करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने छोड़ सकता है, पी मैक्सिमम 3 छोड़ सकता है इस केस में, तो यहाँ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई प्लस 3, जबकि ऊपर कितनी है पॉसिबल प्लस 5 है क्योंकि एस वाला भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कितना डिग्रीज आया ऊपर से नीचे तक प्लस 2 यूनिट का यहाँ पे डिग्रीज आया, तो क्या बोल सकते हैं ये इनर्ट पेयर इफेक्ट था, ये चीज है बस। सभी लोग भाई एनसीईआरटी से बिल्कुल अच्छे से रीडिंग करना, ये चैप्टर यहाँ कराने की जगह और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम लोगों की रीडिंग इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर ये जो चैप्टर है ये रटने का चैप्टर है, जो जो समझाने के टॉपिक है ज़्यादा वो तो यहाँ समझा ही रहा हूँ, चीज़ लगभग सारी बताऊँगा, लेकिन चैप्टर में मैक्सिमम काम अब जो आगे का आएगा वो तुम लोगों के रटने का आएगा। मैं बता देता हूँ एक दो चीज़ किस तरह की, जैसे कोई भी कंपाउंड है उसकी प्रिपरेशन आएगी कि इस कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये वही चीज़ आए जो एनसीईआरटी में लिखी है रिएक्शंस, वही रिएक्शन मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दूंगा, बात वही है, एंड में तुम्हें ही याद करनी पड़ेगी रिएक्शंस के पीछे कोई लॉजिक तो है नहीं, रिएक्शंस जो आ रही हैं वो क्या है ऑब्जर्वेशन है जो हमें रटनी ही पड़ेगी फाइनली कि ये रिएक्शन ऐसे होती है तो ये होती है, इसके पीछे हम कोई ज़्यादा लॉजिक अभी इस लेवल पर तो कम से कम लॉजिक हम नहीं दे सकते हैं। तो यही है, ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है ऐसे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इनके अंदर जो कंसेप्ट्स लगने वाले हैं वो बहुत कम है और ज़्यादातर चीज़ें हमारे रटने की ही हैं, तो ये जो चैप्टर है और बल्कि चैप्टर है, ये भी मत सोचना कि इन चैप्टरों को छोड़ ही दिया जाए आराम भरोसे, बल्कि चैप्टर हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं पी डी एफ इन चैप्टर्स के अंदर से ही आते हैं, तो इनको ना तो छोड़ सकते और ये टीचर के भरोसे कम ही छोड़ा जाए चैप्टर तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ वही है, मैं भी यहाँ बोर्ड पे सेम लिखूँगा, एनसीईआरटी में भी सेम लिखा हुआ है, और उनका रीज़न ना हमारे सिलेबस में है और ना इस लेवल पे हम रीज़न को सब चीज़ करने वाले हैं, तो हमें वही रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी, तो अच्छा रहेगा ये तुम रीडिंग जितनी जल्दी और जितने अच्छे तरीके से रीडिंग करोगे उतना बढ़िया रहेगा, या जितने अच्छे नोट्स बनाओगे उतना सही रहेगा। हाँ, नोट्स के बारे में जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा क्या क्या चीज़ वहाँ नोट करनी है, क्या क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी की रीडिंग तुम लोग लगातार करते रहो और नोट्स बनाते रहो, ठीक है भाई, बाकी कल